हूं मयंक सक्सेना, स्वागत है आपका इंडियंस 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। टूटा फर्श, सीलन भरी छत, बिजली है नहीं। टूटा फर्श, सीलन भरी छत, बिजली है नहीं, ये स्थिति किसी दूर दराज के स्कूल की नहीं बल्कि रायसेन के वार्ड नंबर 12 में स्थित एक प्राइमरी स्कूल की है। सरकार लाख दावे करेगी शिक्षा में काफी सुधार हुआ है और स्कूलों की स्थिति सुधरी है, लेकिन रायसेन के वार्ड नंबर 12 में स्थित शासकीय स्कूल सब कुछ बयां कर रहा है। इस स्कूल की स्थिति जानने हम तीसरी बार पहुंचे। आवश्यकता है 3 शिक्षकों की, लेकिन यहां 2 महिला शिक्षिका पदस्थ है, 1 अटैच है। स्कूल के बाहर बना नाला और उस पर उगते झाड़, खुली हुई खिड़की में से जहरीले जानवर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वहां की शिकायत एवं बच्चे डर के साए में अध्ययन करते हैं। आज हम इस स्कूल का पहला भाग दिखा रहे हैं। इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम लगातार इस स्कूल में आ रहे हैं। इस स्कूल का नाम है शासकीय बालक प्राथमिक शाला। आप मेरे नीचे देखिए, स्कूल के फर्श की हालत कितनी खराब है। यहाँ पर टीचरों ने बताया कि यहाँ पर बरसात में पानी टपकता है। वहीं कुछ बच्चों ने बताया कि पीछे नाला है जिससे सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं, बच्चों को जान का खतरा बना रहता है। तीसरी बात यह है कि स्कूल में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो देखिए आप कहीं भी कोई पंखा नहीं दिख रहा होगा, आपको छत पे पंखा नहीं दिख रहा होगा। आप समझ लीजिए कि गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। जहाँ सरकार चाहती है कि शिक्षा हमारी अच्छी हो, लेकिन इस स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। हम तीसरी बार इस स्कूल में आए हैं और हम कोशिश करें कि जिला कलेक्टर से मिलें और उनसे इसके हम बताएं इस स्कूल के बारे में और कलेक्टर साहब क्या करते हैं, ये हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। मैं अभी आपको और बताना चाहूँगा स्कूल के कमरों में जाकर कि स्कूल की हालत कैसी है। ये देखिए आप, जगह जगह ऐसा नहीं है। अभी हमने इन बच्चों से बात की थी, उन्होंने बच्चों ने खुद बताया हमको कि हम इस स्कूल में हमें काफ़ी डर लगता है, क्योंकि चूंकि पीछे नाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। हम करीबन तीसरी बार इस स्कूल में आए हैं और स्कूल की व्यथा को हमने हमेशा बताया है अपने चैनल के माध्यम से। अभी एक कमरे में हम और ले चलते हैं आपको। इस कमरे में आप देखिए, इस कमरे में कोई हाल है, इस कमरे में कोई हाल देखिए। ऊपर देख सकते हैं पूरी छत अभी भी गीली है, कोई बरसात अभी होने ही नहीं है। पीछे इधर देखिए आप, आकाश नदी का भरा बताते हैं। ये देखिए, ये नाला है, ये नाला देखिए आप, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, नाला है। और ये छत में देखो, कोई इसमें दरवाजा नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ से कभी भी सांप बिच्छू अंदर आ जाते हैं। हमें यहाँ के बाढ़ वासियों ने बताया था और आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने बताया, चौथी और पांचवी पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि यहाँ पर सांप बिच्छुओं का डेरा जमा रहता है, बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हम जिला प्रशासन से चाहेंगे कि इस स्कूल पर ध्यान दें, क्योंकि इस स्कूल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। चूँकि ये शासकीय स्कूल है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं राकेश जैन, रायसेन। अभी भी गीली है, कोई बरसात अभी होने ही नहीं है। पीछे इधर देखिए आप, आकाश नदी का भरा बताते हैं। ये देखिए, ये नाला है, ये नाला देखिए आप, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, नाला है। और ये छत में देखो, कोई इसमें दरवाजा नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ से कभी भी सांप बिच्छू अंदर आ जाते हैं। हमें यहाँ के बाढ़ वासियों ने पहले बताया था और आज हम छोटे छोटे बच्चों ने बताया, चौथी और पांचवी पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि यहाँ पर सांप बिच्छुओं का डेरा जमा रहता है, बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हम जिला प्रशासन से चाहेंगे कि इस स्कूल पर ध्यान दें, क्योंकि इस स्कूल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। चूँकि ये शासकीय स्कूल है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या कहना चाहते हैं सर? हमारे स्कूल के फर्श वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हम चाहते हैं कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा फर्श अच्छा हो जाए, और ये छत में से थोड़ा पानी आता है तो वो भी सही हो जाए। पीछे नाला लगा हुआ है तो नाले की वजह से भी हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है उधर से? ये आती है कि कभी बच्चे खेलते खेलते उधर चले जाए और नाले में गिर जाए, तो ताला लगा के बारिश में ज़्यादा समस्या आती है उसमें। तो हम चाहते हैं कि थोड़े नाले की तरफ भी ध्यान दिया जाए उधर। वो बच्चों का ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पर। बस यही कहना चाहते हैं हम कि थोड़ी स्कूल की स्थिति में सुधार हो। क्या नाम है आपका? मैं रक्षम दत्ता। हमारे स्कूल में खेल का मैदान नहीं है।
और पीछे नाला है, उसमें सांप बिच्छू आते हैं, तो आप गिनने का डर लगता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोनिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ बेटा? कक्षा चौथी। क्या नाम है आपके स्कूल का? बालक प्राथमिक शाला पटेल नगर राय से। क्या परेशानी है यहाँ पे? सर हमारे यहाँ तो ये फर्श भी खुदा हुआ पड़ा है, और फर्श खुदा है तो बच्चों को बैठने के लिए बहुत समस्या होती है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ टीचर की कमी हो गई है, तो एक आध टीचर की व्यवस्था कर दी जाए और हमारा स्कूल की व्यवस्था कर दी जाए कि फर्श सही हो जाए। तो कलेक्टर साहब से हमारा यही निवेदन है कि थोड़ा हमारे स्कूल की तरफ ध्यान दें वो। क्या नाम है आपका? उषा सिंह ठाकुर।